नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत खूबसूरत ढेर सारे गुलाब फूल वाला चकोर आकार का डिज़ाइन बनाएंगे और इस डिज़ाइन की मदद से आप चकोर आकार का थालपोश या फिर टेबल, बड़े साइज़ का टेबल या फिर छोटे साइज़ का टेबल के लिए आप कवर तैयार कर सकते हैं। साथ ही इस डिज़ाइन की मदद से आप शॉल भी बना सकते हैं, जैकेट भी आप बना सकते हैं और इसमें ऊन का जो कलर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने गुलाब फूल 3 रंग के ऊन से बनाया है, आप चाहे तो 1 रंग के ऊन से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ऊन जो है मोटा वाला 4 प्लाई लिया है और 4 प्लाई ऊन में इस तरीके से 4 धागा होता है, तो ये 4 प्लाई ऊन है। तो क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm लिया है। यहाँ हमें टोटल 44 चैन बनाना है, तो इस तरीके से हम चैन बनाते जाएंगे। तो पूरा मैं आपको 44 चैन बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास 4 प्लाई ऊन नहीं है तो आप 3 प्लाई या फिर 2 प्लाई ऊन से भी डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं, बस डिज़ाइन हमारा छोटा या फिर बड़ा बनेगा। तो ये हमारा टोटल 44 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर से 7 चैन को छोड़कर 8वें वाले चैन में, तो ये हमारा 8वां वाला चैन है, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे 3 का 2, फिर से फंदा लेंगे 2 का 1 कर देंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन लगा देंगे, तो ये हमारा 1 और ये 2। नीचे से हम यहाँ से 1 चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए इस तरीके से निकालेंगे, फिर हम फंदा लेके 3 का 2 करेंगे, फिर फंदा लेके हम 2 का 1 कर देंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर 2 चैन लगाएंगे, तो इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक यहाँ तक बनाते जाना है। तो अभी हमने डबल क्रोशिया बना लिया, इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे और नीचे से 1 चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा लास्ट चैन तक तैयार करना है। तो ये हमारा लास्ट चैन तक डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। यहाँ पर टोटल हमारा 19 जाली जो है तैयार होगा और मैं आपको एक बार गिनती करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, टोटल हमारा 19 जाली तैयार हो गया। अभी हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 1 चैन लेंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे और अभी हम जाली के अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हम 1 जाली में जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी तरीके से हमें टोटल 4 जाली में एक ही जैसा डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, क्रूस को हम जाली में डालेंगे, फिर फंदे लेते हुए हम 2 का 1 कर देंगे, तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम इसमें 2 चैन लगा देंगे, तो ये हमारा 1 और ये 2 और इसी में हम फिर से 1 डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले तैयार किया था। तो ये हमारा 1 जाली में 1 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 3 पंखुड़ी और तैयार करना है। तो ये हमारा 4 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसके बाद हम 6 जाली में पंखुड़ी तैयार करेंगे, तो जैसा हम पहला पंखुड़ी बनाएंगे सभी जाली में हमें उसी तरीके से बनाना है। तो इसमें अभी हम 5वें वाले पंखुड़ी में हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इसमें 2 चैन लगा देंगे,
इसके बाद हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम दो चैन लगा देंगे। इसके बाद हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें पांच पंखुड़ी और तैयार करना है, तो टोटल हमें छह पंखुड़ी इस तरीके से बनाना है। पहले हमने चार एक जैसा पंखुड़ी तैयार किया, उसके बाद हम छः एक जैसा पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो अभी मैंने पांच तैयार कर लिया है और एक मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद बचा हुआ जो हमारा नौ जाली है उसमें जो है अलग तरह से पंखुड़ी तैयार होगा। तो ये मैंने छः पंखुड़ी जो है तैयार कर लिया। अब हम इसके बाद वाला जो जाली है इसमें हम पंखुड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर हम दो चैन लगाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा एक पंखुड़ी तैयार हो गया। ऐसे ही हमें बचे हुए सभी जाली में पंखुड़ी तैयार करना है। अभी मैं आपको एक और पंखुड़ी जो है तैयार करके दिखा देती हूँ। हमारा दूसरा पंखुड़ी भी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें लास्ट जाली तक बनाते जाना है, यहाँ तक। तो ये हमारा पूरा पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। शुरू में हमने चार बनाया एक जैसा, फिर छः बनाया एक जैसा और इसके बाद बचा हुआ नौ में हमने एक जैसा बनाया। तो टोटल हमारा 19 पंखुड़ी तैयार हो गया। अब हम इसे इस तरीके से मोड़ते जाएंगे जो हमने सबसे पहला पंखुड़ी बनाया था। तो धीरे धीरे करते हुए, बराबर करते हुए इस तरीके से हम मोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा सुंदर सा गुलाब फूल तैयार हो गया। अब हम इसके पीछे पत्ता बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से पंखुड़ी आठ पंखुड़ी को छोड़ देंगे। ये हमारा एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ को हम छोड़ देंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे उनको इस तरीके से बाहर करते हुए यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद हमें जाली बनाना है। तो ये हमारा एक पंखुड़ी दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ को हमने छोड़ दिया है। और इसके बाद से हम जाली बनाएंगे और पीछे की तरफ जो ये हमारा पंखुड़ी है सभी के बीच बीच से हमें जाली बनाते जाना है। तो हम यहाँ से पहले बनाना शुरू करेंगे और यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो अभी हम यहाँ पर चार चैन लगाएंगे, ये हमारा एक दो तीन और ये चार, और फिर पीछे की तरफ से यहाँ पर हम बीचों बीच क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से चार चैन करेंगे, एक दो तीन और ये चार, फिर इसके बगल वाले दो पंखुड़ी के बीच में हम इसे लॉक करेंगे और फिर से हम चार चैन लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। पूरा जाली बनने के बाद ये जो हमने पहला वाला जाली बनाया था तो उसके नीचे यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे यहाँ पर, और फिर ऊन को बाहर करते हुए इसे हम
इस तरीके से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। थोड़ा सा ऊन हमें छोड़ देना है क्योंकि इसी ऊन की मदद से हम गुलाब फूल को जोड़ेंगे। और मैं अब आपको इसे गिनती करके दिखा देती हूँ। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, टोटल हमारा 8 जाली जो है तैयार होगा। और इसमें अब हमें पत्ता बनाना है, तो पहले हम गुलाब फूल को जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए हम इसमें सुई डालेंगे और फिर जैसे हमने पहले शुरू में फूल को मोड़ा था, एक बार फिर से हम इसे बराबर करते हुए अच्छे से मोड़ लेंगे। और इसके बाद हम पीछे की तरफ हम सुई की मदद से धीरे धीरे करते हुए चारों तरफ से इसे हम अच्छे से जोड़ लेंगे। तो मैं आपको पूरा अच्छे से जोड़ करके दिखाती हूँ। हमारा सुंदर सा गुलाब फूल तैयार हो गया। और इसी तरीके से पहले हम गुलाब फूल बना लेंगे जितना बड़ा हमें डिज़ाइन बनाना है। मैंने टोटल 25 गुलाब का फूल तैयार किया है। एक फूल में हमारा 4 कोना तैयार होगा। तो ये 2 पंखुड़ी के बीच में एक, यहाँ पर ये 2 पंखुड़ी के बीच में एक, तो ये हो गया 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर ऊपर और नीचे का पंखुड़ी दोनों को हम बराबर अच्छे से कर लेंगे और बीचों बीच से हम एक निकालेंगे। तो 4 कोना हमारा तैयार हो गया। तो ये मैंने इस तरीके से 3 रंग के ऊन से गुलाब फूल तैयार कर लिया है। और अब हम इसके पीछे पत्ता बनाएंगे और जोड़ते भी जाएंगे। पत्ता बनाने के लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे और हम पीछे जो हमारा गुलाब फूल के पीछे ये जो जाली है, तो कोई भी एक जाली से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं, तो आगे की तरफ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे और यहाँ पर हम 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। इसके बाद हम क्रूस में 2 बार फंदे को लपेटेंगे और जाली में डालते हुए निकालेंगे। तो अभी हमारे पास 4 है, तो फंदा लेते हुए इसे हम 3 करेंगे, फिर से फंदा लेते हुए इसे हम 2 कर देंगे। और इसके बाद हम क्रूस में फिर से 2 बार ऊन को लपेटेंगे और फंदे में डालते हुए निकालेंगे। अभी हमें फंदा लेना है क्रूस में और हम 5 का 4 कर देंगे, फिर से फंदा लेके 4 का हम 1 कर देंगे और इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद इसमें हम 4 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4। तो हमारा एक पत्ता तैयार हो गया। अब हम इसी में दूसरा पत्ता बनाएंगे। तो फिर से हम ऊन को 2 बार लपेटेंगे और चैन में डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 4 का 3, 3 का 2 कर देंगे। फिर से हम ऊन को 2 बार लपेटेंगे और अभी हमें 5 का 4 करना है। फिर हम 4 का 3 कर देंगे। फिर से हम क्रूस में 2 बार ऊन को लपेटेंगे और नीचे जाली में डालते हुए निकालेंगे। अभी हमें 6 का 5 करना है। फिर हम 5 का 4 कर देंगे और इसके बाद हम 4 का 1 कर देंगे और फिर इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। बस इसी तरीके से हमें एक जाली में 2 पत्ता और एक जाली में एक पत्ता बनाते जाना है। तो 2 पत्ता हमने एक जाली में बना लिया और इसके बाद वाला जाली में हमें एक पत्ता बनाना है और बीच में हम 4 चैन का दूरी रखेंगे। तो हमने 4 चैन लगा दिया और इसमें हम एक पत्ता बना लेंगे। फिर से हम क्रूस में 2 बार ऊन को लपेटेंगे और फिर हम 4 का 3, 3 का 2 करेंगे। फिर से ऊन को लपेटेंगे और फिर हम 5 का 4 और 4 का 3 करेंगे। फिर से लपेटेंगे और इस बार हम 6 का 5
फाइव का फोर और फोर का वन कर देंगे, फिर इसे लॉक करके हम इसमें चार चैन लगा देंगे। तो ये हमारा एक पत्ता तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। हमने दो पत्ता बनाया, पहला वाला जाली में चार चैन बीच में देते हुए बनाया, और उसके बाद दूसरा जाली में एक पत्ता, इसके बाद वाले जाली में दो पत्ता, फिर इसके बाद वाले जाली में हम एक पत्ता। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। सबसे लास्ट में जब पूरा हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा तो हम चार चैन लगा देंगे, और इसके बाद शुरू में हमने जो पत्ता बनाया था तो उसके ऊपर वाले चैन में हम इस तरीके से इसे लॉक कर देंगे, और फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से पत्ता जो है फूल के साथ तैयार हो गया। और अब हम दूसरा फूल इसमें जोड़ते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा चार कोना है, तो इसे हम हल्के हाथों से दो दो पत्ता वाला जो चार कोना है इसको इस तरीके से खींच देंगे ताकि डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। ये हमारा पहला लाइन का पहला फूल है, और इसी में अब हम फूल को जोड़ते हुए एक लाइन तैयार करेंगे। एक लाइन में मैंने पाँच फूल रखा है। तो किनारे का ये जो हमारा ये वाला कोना है दो पत्ता वाला, ये एक कोना, और इधर का एक कोना, इसे हमें जोड़ना है। तो फिर से हम पूरा फूल तैयार करेंगे, और पीछे का जो पत्ता है हम इतना तैयार करेंगे। इस फूल में हमें एक पत्ता, दो पत्ता, एक पत्ता, दो पत्ता, फिर एक पत्ता, फिर जो तीसरा कोना जो हमारा रहेगा वहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम चार चैन लगाते हैं, तो अभी हम यहाँ पर दो चैन के साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारा एक और ये दो। इसके बाद हमें पहला वाला जो फूल है इसका दोनों कोने के साथ इसे हमें जोड़ना है। तो एक कोना को हम पहले इसके साथ जोड़ेंगे, तो पीछे की तरफ से हम दोनों फूल को बराबर करेंगे और इसके बाद जोड़ेंगे। तो हमने दो चैन लगा दिया है, और इसके बाद एक कोना पकड़ते हुए हम दो और कर देंगे, तो टोटल हमारा चार चैन हो जाएगा। इसके बाद हम ये वाला फूल में दूसरे वाले फूल में वापस आएंगे, और तीसरा कोना का जो दूसरा पत्ता है इसे भी हम तैयार कर लेंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। हमारा दूसरा पत्ता तैयार हो गया, और फिर से इसमें हम दो चैन लगा देंगे और इसे हम इसके साथ जोड़ देंगे। ये जो हमारा दो पत्ता के बीच में जाली है, तो इसके साथ जोड़ते हुए हम दो चैन लगा देंगे। फिर से वापस से आके इस फूल में हम ये वाला जो जाली है इसमें हम एक पत्ता तैयार कर लेंगे। हमारा एक पत्ता तैयार हो गया। फिर से हम दो चैन बनाएंगे और पहले वाले फूल के जाली के साथ इसे हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हम जोड़ देंगे, फिर दो चैन लगा देंगे, और इसके बाद वापस से आके दूसरे वाले फूल में हम एक पत्ता बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारा चौथा कोना है। हमारा एक पत्ता तैयार हो गया। फिर से दो चैन लेंगे और पहले वाला जो फूल है उसका एक कोना, ये जो हमारा किनारे वाला कोना है इसके साथ इसे हम जोड़ते हुए दो चैन लगाएंगे, और फिर वापस से आके इस फूल में हम दूसरा पत्ता को तैयार कर लेंगे, और उसके बाद चार चैन देके इसे हम जोड़ देंगे। हमारा दूसरा पत्ता तैयार हो गया, और अब हम यहाँ पर चार चैन लगा देंगे। और सबसे शुरू में हमने जो यहाँ पर पहला पत्ता बनाया था तो उसके ऊपर हम यहाँ पर इसे जोड़ देंगे, और फिर थोड़ी सी दूरी पर हम इसे लॉक करने के बाद कट कर लेंगे। तो ये हमारा दो फूल जो है आपस में जुड़ गया। बस इसी तरीके से जोड़ते हुए हमें एक लाइन पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा एक लाइन तैयार करके दिखाती हूँ।
फिर से हम तीसरा फूल को ये दोनों कोना के साथ जोड़ेंगे। तो जैसे हमने पहले फूल को तैयार किया था उसी तरीके से फिर से हम इस तरीके से फूल तैयार कर लेंगे और इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। हमारा एक लाइन तैयार हो गया। एक लाइन में मैंने 5 फूल रखा है और अब हम इसके ऊपर दूसरा लाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से फूल बनाएंगे और इसमें हम एक कोना दो कोना पूरा तैयार कर लेंगे और तीसरा कोना को हम जोड़ेंगे। तो तीसरा कोना में हम एक पत्ता बना लेंगे और इसके बाद इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे, इस पत्ते को एक कोना को इसके साथ, और बीच में जो दो जाली है वो हम जोड़ेंगे। और फिर यहाँ पर हम चौथा कोना को हम यहाँ पर जोड़ते हुए फिर इसे हम पूरा तैयार कर लेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। फिर से हम इसमें दो चैन बनाएंगे और ये वाला जो कोना है इसमें दो चैन के साथ जोड़ देंगे और इसके बाद वापस से आकर के इस चैन में हम एक और पत्ता तैयार कर लेंगे। हमारा पत्ता तैयार हो गया। इसमें हम दो चैन लगाएंगे फिर इसे हम जाली के साथ जोड़ते हुए फिर से दो चैन कर देंगे और फिर हम वापस से आके इस फूल में एक पत्ता तैयार कर लेंगे। हमारा पत्ता तैयार हो गया। फिर से दो चैन लगाएंगे और जाली के साथ जोड़ते हुए हम दो चैन लगाएंगे फिर से वापस से आके हम इसमें एक पत्ता तैयार कर लेंगे। हमारा पत्ता जो है तैयार हो गया और अब हम इसमें फिर से दो चैन लगा देंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा और इसके बाद हम ये वाला जो हमारा कोना है इसके साथ हम इसे जोड़ देंगे यहाँ पर। तो क्रूस को हम जाली में डालेंगे और जोड़ते हुए हम दो चैन लगा देंगे और फिर से वापस से आकर के इस जाली में हम पत्ता बनाएंगे। हमने एक पत्ता बना लिया था और इसी में हम एक और पत्ता बना लेंगे। हमारा दूसरा पत्ता तैयार हो गया और हमारा चौथा कोना भी जुड़ गया। अब हम इसमें चार चैन लगा देंगे और इसके बाद ये जो हमारा एक जाली बचा हुआ है इसमें हम एक पत्ता तैयार करेंगे और इसके बाद फिर से चार चैन लगा करके ये वाला जो सबसे शुरू वाला पत्ता है इसके साथ हम जोड़ देंगे। तो ये मैंने इस तरीके से जोड़ दिया। फिर थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से उनको कट कर लेंगे और फिर क्रूस की मदद से उनको हम इस तरीके से पीछे करेंगे और दोनों उनको हम अच्छे से बांध लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन का पहला जो फूल है जुड़ गया। अब हम दूसरा लाइन का दूसरा फूल को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम फिर से फूल बनाएंगे और इसमें हम एक कोना पूरा तैयार करेंगे फिर हम एक पत्ता बनाएंगे और दूसरा कोना को हम जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम पहले यहाँ पर रख देते हैं। तो ये वाला जो हमारा दूसरा कोना है इसे हम इसके साथ जोड़ेंगे फिर हम तीसरा कोना को इसके साथ जोड़ेंगे और चौथा कोना को यहाँ पर जोड़ेंगे इसके साथ फिर हम इसे पूरा तैयार कर लेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो मैं आपको ये पूरा जोड़ करके अच्छे से दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया और अब हम बीच में जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम पहले हमें यहाँ पर जोड़ना है पहला वाला जो फूल था उसके बीच में और ये जो हमारा दूसरा लाइन का पहला फूल उसके साथ। तो पहले हम इस तरीके से जाली में क्रूस को डालेंगे और ऊन को निकालते हुए इसे हम पहले जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे और इसके बाद उस तरफ से हम क्रूस को ये वाला जाली में हम डालेंगे, ये जो हमारा पहला लाइन का पहला फूल था। तो इस तरीके से हम डालेंगे और फंदे को निकालते हुए इसमें हम चैन लगा देंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा, ये हमारा एक चैन और ये दो चैन। और इसके बाद वापस से आकर के हम इस जाली में एक और पत्ता तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा चारों फूल जो है आपस में अच्छे से जुड़ गया। अब हम यहाँ पर ये जो इस तरफ का जो दो जाली है उसमें हमें जोड़ते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। तो पहले वाले जाली में हम जोड़ने के बाद दो चैन लगाएंगे और फिर वापस से आ करके हम इस फूल में एक पत्ता तैयार कर लेंगे। पत्ता हमारा तैयार हो गया और इसमें हम दो चैन बनाएंगे और फिर जाली के साथ जोड़ते हुए हम फिर से दो चैन बनाएंगे और वापस से आ करके हम इस जाली में एक पत्ता तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हमें इसके साथ यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। हमारा पत्ता तैयार हो गया, इसमें हम दो चैन लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम इसे जोड़ते हुए फिर से हम दो चैन लगा देंगे और फिर हम वापस से आकर के इसमें हम एक और पत्ता बना लेंगे। तो हमारा चारों कोना जो है जुड़ गया। उसके बाद हम एक और पत्ता बनाएंगे और सबसे पहला वाला जो पत्ता है उसके साथ हम जोड़ते हुए इस फूल को पूरा तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन का दूसरा फूल जो है जुड़ गया और इसी तरीके से हम तीन फूल और जोड़ लेंगे। तो फिर से हम एक कोना पूरा तैयार करेंगे और एक पत्ता तैयार कर लेंगे और दूसरा कोना का एक पत्ता तैयार करने के बाद इसे हम जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, दूसरा कोना को हम इसके साथ जोड़ेंगे, तीसरा को यहाँ पर और चौथा को हम यहाँ पर जोड़ते हुए इस फूल को पूरा तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें लाइन तैयार करते जाना है। तो ये मैंने तीसरा फूल को जोड़ लिया है और दो फूल को जोड़ करके मैं ये दूसरा लाइन पूरा तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा दो लाइन जो है पूरा तैयार हो गया। इसी तरीके से जोड़ते हुए हमें जितना लाइन चाहिए हम बनाते जाएंगे। तो जैसे हमने दूसरा लाइन जोड़ा ठीक वैसे ही हमें तीसरा लाइन का पहला फूल भी जोड़ना है। एक कोना हम बना लेंगे, एक कोना में दो पत्ता फिर एक पत्ता और फिर दूसरा कोना में एक पत्ता बनाने के बाद इसे हम जोड़ेंगे। तो जैसे हमने दूसरा लाइन का ये वाला पहला फूल जोड़ा था वैसे जोड़ेंगे और इसके बाद जैसे हमने दूसरा फूल जोड़ा तीसरा चौथा पाँचवा, तो इसी तरीके से हम जोड़ते हुए पूरा तैयार कर लेंगे। टोटल मैंने 5 लाइन में डिज़ाइन को तैयार किया है।
तो ये देखिए, ये मैंने 5 लाइन पूरा तैयार कर लिया है और अब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो पूरा जोड़ने के बाद लास्ट में हमें ऊन को नहीं काटना है। मैंने इसी ऊन की मदद से किनारे का पूरा झालर तैयार किया है। अगर आपको दूसरा कलर से झालर बनाना है तो ऊन को आप कट कर सकते हैं। झालर बनाने के लिए बस हमें चैन बनाते हुए झालर तैयार करना है। तो यहाँ मैंने एक चैन पहले से ले लिया था, 4 चैन और हम ले लेंगे तो ये हमारा टोटल 5 चैन हो गया। इसके बाद नीचे वाले जाली में इसे हम लॉक कर देंगे और फिर से हम 5 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 5 चैन हो गया। नीचे वाले जाली में इसे लॉक करके हम फिर से इसमें हम 5 चैन लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हम 5 चैन लगाते हुए ये वाला एक लाइन पूरा तैयार कर लेंगे। जितना भी जाली रहेगा सभी में हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ तक मैं आपको एक लाइन बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक लाइन तैयार हो गया और इसके बाद अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो फिर से हम 5 चैन लगाएंगे और पहला लाइन का जो पहला जाली था उसमें हम इसे लॉक करके फिर से हम 5 चैन बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 5 चैन लेते हुए जाली को तैयार किया है। और अगर आपका डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो आप चैन को ज़्यादा या फिर कम भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। जब दूसरा लाइन तैयार हो जाएगा तो फिर जब हम तीसरा लाइन बनाएंगे तो दूसरा लाइन का जो ये पहला वाला जाली रहेगा इसमें हम लॉक करते हुए फिर हम डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये मैंने 4 लाइन का किनारे का डिज़ाइन जो है पूरा तैयार कर लिया। अब हम किनारे का झालर बनाएंगे। तो बीच में हमारा गुलाब का फूल है इसलिए झालर में मैंने पत्ता वाला डिज़ाइन रखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पत्ता जैसा झालर तैयार किया है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पत्ता जो है सभी जाली में बनाया है। आप चाहे तो एक जाली छोड़ के भी पत्ता तैयार कर सकते हैं। तो पत्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। नीचे से हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो क्रूस में हम 2 बार फंदा लेंगे और नीचे से दूसरे वाले चैन में डालते हुए हम निकालेंगे। तो अभी हमारे पास 4 है तो फंदा लेके इसे हम 3 करेंगे, फिर फंदा लेके इसे हम 2 करेंगे, फिर से हम क्रूस में 2 बार फंदा लेंगे और नीचे चैन में निकालते हुए हम 5 का हम 4 कर देंगे, फिर हम 4 का 1 करेंगे और इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक पत्ता तैयार हो गया। जैसे हमने फूल में पत्ता बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। सबसे पहला वाला जो चैन है यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद जैसे हमने शुरू में 6 चैन लिया था तो फिर से हम यहाँ पर 6 चैन लगा करके नीचे हम यहाँ पर इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा 6 चैन हो गया। और इसके बाद जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था दूसरे वाले चैन में क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और फिर हम नीचे जो हमारा पहला वाला चैन है उसमें हम एक बार और इसे अच्छे से लॉक कर देंगे। और फिर से हम इसमें 3 चैन लगा देंगे जो हमारा 2 पत्ते के बीच का दूरी होगा। और इसके बाद इसके बगल वाले जाली में इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पत्ता वाला झालर तैयार हो गया। और बस इसी तरीके से हमें पत्ता बनाते जाना है। मैं आपको एक और पत्ता जो है बना करके दिखा देती हूँ। मैंने जो थालपोस बनाया है इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो लगभग झालर को मिलाकर 21x21 है। हमारा पत्ता जो है तैयार हो गया और इसी तरीके से हम झालर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी यह डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।